रिक्शा की तरह वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठ के ट्रैवल करने वाले हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन है, ट्रेन बहुत अच्छी है। लेकिन सर अभी भी समाज जवान है, वंदे भारत भी जवान है और आप भी कम जवान नहीं है। ये तो वक्त वक्त अच्छा है, लेकिन ये जो सीट है ये बहुत ही कंफर्टेबल है, राजधानी से गाना अच्छा है। नमस्कार दर्शकों, फूड एंड फ्यूल विद आकाश कौशिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस बार भी हम हमेशा की तरह वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठ के ट्रैवल करने वाले हैं और हम जा रहे हैं अमृतसर। लेकिन इस बार जो ट्रेन है ना मैंने पकड़ी है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से। ये है इंडिया के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन में से एक, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1864 में इसे बनाया था एंड उसके बाद 1900 में इसको रेनोवेट किया गया, 1960 में इसको इलेक्ट्रिफाई किया गया और देखिए इसको ना रेड फोर्ट से इंस्पायर होके बनाया था। जो रेड फोर्ट का डिजाइन है वो सिमिलर बनाने की कोशिश करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एंड आज भी लुक मोर और लेस वैसा ही है। लेकिन आपको एक और इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ, ये इंडिया की सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, मोर देन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ सबसे ज्यादा ट्रेन चलती हैं। तो चांदनी चौक और दिल्ली 6 के एकदम दिल में ये सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है और इसको हम अच्छे से रिव्यू भी करेंगे, इनके वॉशरूम्स भी देखेंगे, देखेंगे कि क्या ट्रेन टाइम से आती है, अंदर साफ सफाई कितनी है। तो चलिए हमारे साथ। तो देखिए ऑनेस्टली आई एम अ लिटिल बिट सरप्राइज क्योंकि बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आप देख सकते हैं ये पूरा रेलवे स्टेशन साफ सफाई 24 घंटे चलती रहती है। मेरे पीछे ही यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं तो नीटनेस बहुत है। मैं यहाँ ना कुछ सालों पहले आया था, 5-7 साल था पहले, तब इतनी नीटनेस नहीं थी, तब थोड़ा गंद पड़ा था एंड मैं थोड़ा हेजिटेंट था कि यार ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है, वहाँ से ट्रेन पकड़नी है। लेकिन चेंजेस हुए, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन भी अब ये सबसे बिजी लाइन से देखिए कितने सारे यहाँ ट्रैक्स हैं, सो मच ट्रेन्स आर स्टैंडिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन में वाइब को मेंटेन करने के लिए घुसते रेनोवेशन का काम कर दिया गया है। तो देखिए पीछे नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर भी लगा है और साथ ही साथ इन्होंने चारों तरफ दिल्ली की जो खूबसूरत जगह है ना उनका उनका थोड़ा सा पिक्चर्स लगाई हुई है, जैसे तुगलकाबाद फोर्ट, जामा मस्जिद एंड ऑल द टूरिस्ट प्लेसेस इन दिल्ली। आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ही देख सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ जाना है, प्लेस बना सकते हैं एंड प्रीमियम लाउंज भी मैं देख सकता हूँ। तो दिल्ली का जो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है इवेंचुअली एंड ट्रूथफुलनेस के साथ देखा जाए तो ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ज्यादा बेटर बना हुआ है फ्रॉम द इनसाइड पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन हाँ ये बहुत पुराना बना हुआ है, इसलिए कहीं कहीं वो थोड़ा थोड़ा फील आता है कि यार ये तो 150 साल पुराना रेलवे स्टेशन है, बट इवेंचुअली इसमें काम हुआ है। तो एक बार जरा वंदे भारत के ना ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर लेता हूँ। ये मेरा 7th और 8th एक्सपीरियंस है वंदे भारत में एंड आज तक सिर्फ एक ही बार ये ट्रेन डिले हुई है एंड वो भी इन्होंने कवर अप कर लिया था। लेकिन एक बार फिर मेरी 3:15 की ट्रेन थी ये जो दिल्ली से अमृतसर जाती है, 3:15 बजे चलती है दिल्ली से और ये कुछ 2:50 पे आके प्लेटफॉर्म पे लग गई थी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस डिले तो बहुत ही रेयरली होती है। अब ये देखना होगा कि क्या ये मुझे टाइम से पहुंचा पाती है। इन्होंने क्लेम किया है कि 5 घंटों के आसपास मुझे पहुंचा देंगे, बट जो किलोमीटर्स है क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि 120-130 चलने की कैपेबिलिटी रखती है वंदे भारत एक्सप्रेस, कितना टाइम लगाती है, कितनी है इसकी टॉप स्पीड, क्या अंदर से उतनी कंफर्टेबल है, क्योंकि जो अयोध्या वाली ट्रेन चल रही है ना वो नई बनी हुई है, ये थोड़ी पुरानी है, तो क्या ये उतनी कंफर्टेबल है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर। तो दिल्ली से अमृतसर जाते हुए ना मेरे को ये दादाजी मिले एंड दादाजी बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे, इतनी एज होने के बाद भी ये ट्रैवल करते रहते हैं और एक ट्रैवल मेनिया क्या बिल्कुल मेरी तरह, तो दो ट्रैवल करने वाले साथ मिल जाए तो वाइब तो बनी जाती है। पर जी पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरजिंदर सिंह है, मैं अमृतसर से हूँ। तो अभी आप दिल्ली से अमृतसर जा रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं, एक बताइए। नहीं हम घूमते केरला घूमने गए थे। अरे वाह, वहाँ घूमते हुए आप दिल्ली आए हैं। अच्छा, दिल्ली से हमारे अमृतसर के लिए वंदे मातरम ट्रेन पकड़ी है जी। ये ट्रेन पहली बार सफर कर रहे हैं इसमें हम, क्यों अभी थोड़ा देर इसको चलने के हुआ है, पहले फर्स्ट टाइम हम सफर कर रहे हैं इसमें। ट्रेन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सुविधाएं इसमें है, जो जो हमने देखा है वही बोल रहे हैं। और आपको सीट कैसी लगी और ये जो टाइम है ये कितना सही लग रहा है कि 4-4.5 घंटे में पहुंचा देगी, और सीट भी आप बताइए कंफर्टेबल लगी कि नहीं लगी, आप वैसे भी बुजुर्ग हैं तो क्या बुजुर्गों के लिए कंफर्टेबल है? नहीं, ये जो सीट है ये बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है। दूसरी ट्रेनों से ये चेयर अच्छी बड़ी है, बाकी बहुत टाइट है, ये अच्छी ट्रेन है, सीट अच्छी है।
लेकिन एक थोड़ी सी मुझे कमी लग रही है कि ऊपर स्टोरेज नहीं है। आप वैसे थोड़ा बैग वैग ज्यादा लेके चलते हैं जो पुराने बुजुर्गों की आदत है, तो लेकिन स्टोरेज का आपको लगता है कि शायद थोड़ी बढ़ानी चाहिए, बैग वैग का और होना चाहिए? होना चाहिए लेकिन फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है। देखिए बुराई ज्यादा कर नहीं पाए, ठीक है, फिर भी ठीक है, बुराई नहीं। लेकिन सर अभी भी समाज जवान है, वंदे भारत भी जवान है और आप भी कम जवान नहीं है। ये तो अब वक्त अच्छा है, ये ठीक है, मारा घुमाई जा रहा है, उधर से जो मोदी जी है बना रहे हैं ट्रेनें दे रहे, अच्छी सुविधा दे रहे हैं। तो देखिए एज अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी हम हमेशा वॉशरूम्स को भी रिव्यू करके लाते हैं, एंड व्हेन आई ट्रैवल टू लखनऊ द वॉशरूम्स वर ओके, व्हेन आई ट्रैवल टू चंडीगढ़ द वॉशरूम्स वर क्लीन, बट यहाँ भी अमृतसर जाती हुई वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर भी इंडियन वॉशरूम्स एंड वेस्टर्न टॉयलेट्स ही दोनों के ही ऑप्शंस हैं। और क्या ये साफ सुथरे हैं? तो हाइड्रोलिक वॉशरूम्स हैं एंड दे आर गुड इनफ, और साफ सुथरे तो हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द क्वालिटी ऑफ द वॉशरूम, एंड बहुत आराम से फीमेल्स इसको यूज कर सकती है, एंड दोनों ही ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल विद द इंडियन सीट, गुड फॉर यू, एंड इफ नॉट देन यू आल्सो हैव द वेस्टर्न सीट, एंड भाई साफ है, दिस नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। हाइड्रोलिक वॉशरूम्स हैं, वर्किंग ऑर्डर रहते हैं, एंड 99% ऑफ द टाइम्स ये साफ ही रहते हैं। सो वंदे भारत में फीमेल्स के लिए वॉशरूम यूज करना तो इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो जी वैसे भी पंजाब जा रहे हो और पंजाबियों की तो गल वखरी में होती है, और यहाँ ना मेरे को एक टप्पर ही मिल गया पूरा का पूरा। तो लेकिन सर ये हमारे रिस्पेक्टेड डीएसपी भी हैं, तो मैं इनसे जरा जानूंगा कि सर कैसा लग रहा है आपको वंदे भारत का पूरा एक्सपीरियंस, क्या कंफर्टेबल है ट्रेन, क्या आप चीजें आपको अच्छी लगी, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, प्लीज हमें बताइए। मैं पहली बार वंदे भारत ट्रेन दे सफर कर रहा जी। साड़ी मेरी ऐसे उम्र जो है 72 है। अच्छा, बहुत देर तो बाद ऐसी ट्रेन दे सफर किया जो बहुत कंफर्टेबल है। मोदी साहब ने ये ट्रेन चला के बहुत बड़ा तोहफा अमृतसर नूं पंजाब नूं दिता। तो अब पहले अब इस ट्रेन के हिसाब से दावा है कि 4.5 घंटे में आप दिल्ली से अमृतसर पहुंच जाएंगे। हाँ। वैसे आम किसी और ट्रेन से राजधानी शताब्दी से 6-7 घंटे लग जाते थे। हाँ जी, वो टाइम बहुत लग जाता सी, लेकिन ये बहुत फास्ट ट्रेन है, ते सानू पूरी उम्मीद वा के जो काम कर रहा है मोदी ये बहुत अच्छे कर रहा है, जो करने चाहिए, जो एक प्राइम मिनिस्टर का एक फर्ज है, फर्ज होता अपनी पब्लिक नू अपनी जिहड़ा उहदा रुतबा है उसनू बरकरार रख के पब्लिक का पूरी पूरी जिहड़ी आ फैसिलिटी देनी तां के राजे दी जिहड़ी आ सोभा वो सारी पब्लिक करे। सर ने बहुत बोल लिया है, लेकिन मैम्स की बात ना हमेशा थोड़ी ज्यादा बढ़िया होती है। आपको कैसे लगा? मैं ना थोड़ा फीमेल्स का रिव्यू ज्यादा ऑथेंटिक मानता हूं। अपने चाय पी कैसी लगी आपको चाय? बढ़िया, जिंजर टी सी। जिंजर टी सी बढ़िया सी, बढ़िया सी। और यहाँ बैठने बैठने में कंफर्टेबल है? बहुत कंफर्टेबल है। वॉशरूम बहुत बढ़िया है, वॉशरूम बहुत बढ़िया। ये भी हम ना अपने दर्शकों को बताते रहते हैं कि आम इंडिया जो इंडिया की रेंज होती है ट्रेन होती है उसमें फीमेल्स के लिए वॉशरूम का बड़ा इशू रहता है। नहीं है, बहुत सुंदर है बस। तो आप भी मेरे ख्याल केरला से आ रहे हैं? तो केरला से सारा ग्रुप है, केरला से ग्रुप है, 14 बंदे का ग्रुप है, ये सारा सबका ग्रुप है। पंजाब में भी इतना टंबर आया हुआ है, टंबर आया है रमेश्वर, कन्याकुमारी, सारे जगह लोग होते हैं, तमिलनाडु, त्रिवेंद्रम, 12-13 स्टेट होकर आए हैं। जदों भजदी तेज भजदी है बहुत, पर जदों खड़दी है जां चलदी है उस वक्त मेरे वर्गा जो ओवरेज है वो गिरने पड़ता है, इतना उसके कंप्लेन में ऐसा वो होता है, जंप लगता है, ठोकर लगती है, और इतना वो खराब करती है। बाथरूम में जाए और खड़े होकर नाला भी नहीं बजता, ऐसे डांस करना पड़ता है, डांस करना पड़ता है, डांस करना पड़ता है कि हम स्पोर्ट के स्किल है वो इतनी उसकी स्टार्टिंग और जो ब्रेक है इतनी बहुत माड़ी ब्रेक है, बहुत माड़ा है। ये बहुत अच्छी है, बिना झटके तो है, और आपने ये पुल चलाना है जो मैं बोला है ना, ये सब कुछ दिखाना है। जी जी, तो यहाँ पे और भी लोग घूमने जाने चाहते हैं, तो यहाँ पे ना अब बिल्कुल मेरे को ना अब अमृतसर जा रहा हूँ तो पंजाब की वाइब तो लेनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं, एक तो बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए, लेकिन आप जी बहुत मैं देख रहा था मजे से घूमते जा रहे थे, तो कैसा लग रहा है आपको ये पूरी ट्रेन
बहुत अच्छा लगा। ये ट्रेन आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत पहली बार सफर कर रहे हैं, पहली बार सफर। थोड़ा चेर इसको चली नहीं है, थोड़ा एक दो साल ही हुए हैं। नहीं नहीं, साल कितने सर? एक महीना आया सर, एक महीना मिनिमम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो इनको तो बहुत बढ़िया लग रही है। लेकिन यहाँ ये पूरे चस्कारी लेते हुए, मजे लेते हुए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप भी कुछ कहना चाहें कि कुछ और बेहतर हो सके, क्या आपको खाने में कुछ कमी लगी? आज जो ये है ना, इसमें लून मिर्च ज्यादा है, बहुत ज्यादा पाता है, इसमें मसाला बहुत है, और हमारे लिए मसाला अच्छा नहीं। बुजुर्ग आके कट जाएगा, बीपी बढ़ जाता। बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, ये मसाले वाले खाने नहीं देने चाहिए। चाय ठीक लगी थी आपको? चाय ठीक है, चाय बहुत अदरक वाली है, अदरक वाली चाय है, तो सब खुश है, खुश मिजाज माहौल है, मजा आ रहा है। तो इस पूरे टब्बर के सरपंच साहब भी यहाँ मिल गए हैं। तो सरपंच साहब, आप बताइए कैसी लग रही है आपको ट्रेन, क्या बेहतर हो सकती है? ट्रेन नहीं है, जहाज है। और ये गल मैं कहूँ गवर्नमेंट नूं, जितनी गड्डी पंजाब में चलती है वो ऐसी चलनी चाहिए। और जो क्वाड है वो बाकी इंडिया में चले, इधर पंजाब का क्वाड नहीं चलना चाहिए। ठीक है, बढ़िया साथी, जो गाड़ी है ऐसी चलनी चाहिए पंजाब में। यहाँ पे जो हो रहा है ना, यहाँ पे इतना क्राइम कम हो गया, लोग इतना अपने आप में सेफ महसूस करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ मोदी जी। सेफ्टी इज रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। यस, वी शुड हैव रिस्पेक्ट एज अ प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू, लव यू मोदी जी। तो इस बार वंदे भारत में सर्व किया गया है रोटी, साथ में पनीर, साथ में दाल और साथ में शायद मिक्स वेज की सब्जी एंड दही। बट मैं तो हर बार आपके लिए रिव्यू लाते ही हूँ, लेकिन ना थोड़ा इंडियन टेस्ट जानने के लिए एक बार सर बताओ, सर आपको कैसा लग रहा है ये खाना? अच्छा लग रहा है, राजधानी से बेटर है, देखने में लग रहा है। चलो एक बार एक बाइट लेके बताओ कैसा है, खा के बताओ। हाँ हाँ हाँ, हाँ वही बात, राजधानी से खाना अच्छा है, राजधानी से अच्छा है, बहुत अच्छा है।